All right. नंबर वन, आप कहीं लिख लो एक बात जो अहम है आपके लिए, वो है कि आपको अपने ब्रांड में, ब्रांडिंग में, अपने प्रोजेक्ट पे पैंटोन कलर्स को इस्तेमाल करना है। पैंटोन कलर्स वो कलर्स होते हैं जो नियर टू परफेक्शन फॉर प्रिंटिंग एंड डिजिटाइजिंग, जो आपको दिखने में और प्रिंट होने के बाद ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि वो 200% श्योर शॉट होंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन होंगे टुगेदर। कलर कोई इतना अहम बात नहीं है, क्योंकि कलर एक खुद इट्सेल्फ एक बहुत अहम चीज है। बहुत सारी चीजें हम विजुअल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जैसे शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स, पैटर्न्स आई मीन, और कलर्स। अभी हमने गोल्डन रेशियो नहीं पढ़ा, राइट? लोगो बन रहा है, जैसे लोगो हो जाता है तो फिर गोल्डन रेशियो को भी पढ़ेंगे हम। कुछ भी आप डिजाइन कर रहे हो, उससे पहले आपके पास कलर साइकोलॉजी का होना जरूरी है। फॉर सपोज हमने लिखा था कि जो मेरा प्रोडक्ट था, मेरा ब्रांड बिजनेस था, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ और सेफ, क्या था ये था, इट्स फॉर अ सेफ्टी, डिफेंस, मॉनिटरिंग। हाँ, अब आप कुछ भी डिजाइन करने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, उससे पहले आपको कलर्स का मालूम होना चाहिए। एक बहुत बेसिक सी ड्रिलिंग है, इमोशन गाइड, जो नॉर्मली ये सब हम गूगल से देख रहे हैं, कुछ नया नहीं है कलर्स में। डेफिनेटली ये जो कलर्स हैं, आई मीन ऑरेंज, येलो, रेड, मैं सिर्फ उस रेड की बात कर रहा हूँ। रेड में क्या है उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, आई मीन कौन सा पैंटोन कैसा होना चाहिए, प्योर ब्लड रेड होना चाहिए, मैरी रेड होना चाहिए, मेलन रेड होना चाहिए, कौन सा रेड किसके लिए होना चाहिए, हम वो अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले एक्सक्लूसिवली हम चीज को समझ लेते हैं, और एक अच्छी इमोशन गाइड है ये, जिसमें आपको ब्रांड्स भी दिख रहे हैं और उनके कलर रिदम भी दिख रहे हैं। इनको समझने से पहले, देखने से पहले, पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि हमारे पास हर चीज कंट्रास्ट में होती है। डेफिनेटली आपका लोगो का एक फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक वर्जन। मोनोक्रोमैटिक में लोगो पूरा ब्लैक होगा इटसेल्फ और पूरा व्हाइट होगा, दैट इज मोनोक्रोमैटिक, मींस मोनोटोन होगा, सिंगल टोन, ये होना लाजिम है। लेकिन बिजनेस का भी तो एक अपना एक प्रेजेंटेबल कलर होगा। अगर आपका बिजनेस कैटेगरी ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी, चेयरफुल या फ्रेंडली या किसी भी नीश में लाए करता है, तो ये डेफिनेट है कि आपको उस रिदम में आना पड़ेगा। रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शेड्स और द ट्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल कलर्स। अगर आपका प्रोडक्ट फ्रेंडली है या वो कॉन्फिडेंसेबल है, उस प्रोडक्ट को यूज करके कॉन्फिडेंस आ रहा है, या उस प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है, उस बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, सो वी कैन गो विद द ऑरेंज इटसेल्फ। अगर वो ट्रस्ट को शो कर रहा है,
यूजुअल हम मेडिकल में बहुत ज्यादा ब्लू और ग्रीन देखते हैं। क्यों? एक तो वो ट्रस्ट होता है, ग्रीन फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल, इसलिए लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिका, ट्रॉपिकाना, बीपी, ये मेडिसिन है। अब आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। अब मुझे इनिशियल लेवल पे अगर बिल्कुल बिगनर स्टेज पे हम हैं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मेरी कैटेगरी क्या है, तो आप अपने बिजनेस के एट्रीब्यूट्स निकालोगे। जैसे अभी हमने निकाला मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो मॉनिटर हो रहा हूं मैं अगर, या कुछ भी घर भी मॉनिटर हो रहा है, तो अब मुझे ट्रस्ट है कि मेरा एसेट, मेरा जगह, मेरी चीज सेफ है। सो फॉर श्योर हमें ब्लू के साथ जाना चाहिए। अगर वो ऐसी मॉनिटरिंग है कि उसमें आपके पास ट्रस्ट नहीं है, तो वो फिर या तो मॉनिटरिंग नहीं है या फिर वो ब्लू टोन में नहीं होगा। अगर आपको ये फील हो रहा है कि भाई ये मैंने सपोज कैमरा लगा दिया और अब इसमें अगर हम देखें तो हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है, क्या ऑरेंज और टेक्नोलॉजी का मैच बन रहा है? मुझे नहीं समझ में आया। उस चीज को समझने के लिए आपको दो जगहों पे जाना पड़ेगा, या तो पिंटरेस्ट या बिहेंस। और डेफिनेटली जब हम सब स्कूल गए, प्री स्कूल गए, हमने नर्सरी पढ़ी, स्टैंडर्ड्स में आए, तो हमने ट्रेसिंग की है। डेफिनेटली हम आज भी फैशन करते हैं तो फॉलो फैशन होता है, हम इनोवेटिव फैशन नहीं करते, हम पैटर्न पे काम करते हैं। तो ऐसे ही इस फील्ड में हम बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल बॉर्न बेबी हैं। सो फॉर दैट एस्पेक्ट वी नीड टू स्टडी व्हाट मॉन्स्टर्स आर डूइंग इन द मार्केट। एक्चुअली बिहेंस पे हर कोई अपना आर्टवर्क अपलोड करता है, फाइन, लेकिन हमें वो देखना है जो बहुत ज्यादा व्यूड हो या अप्रिशिएटेड हो, ताकि हमें समझ में आए गाने। फॉर सपोज अगर हम कहते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देखो पहले तो रिसर्च का वे समझो। अगर कैमरा प्रोडक्ट था तो आप कैमरा नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों पे रिसर्च करनी है। उसका प्रॉपर नीश समझो कि क्या है। अगर सीसीटीवी कैमरा तो वो सिक्योरिटी में जा रहा है। आप कैमरा करके ढूंढोगे, सही है ढूंढ रहे हो, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हम लिखें कैमरा लोगो आइडियाज, तो आपको यही मिलेंगे जो जमाने के चले आ रहे हैं, फोटोग्राफी और इन सब के। रिमेम्बर आप एक बहुत छोटी सी जगह से क्रैक करते हो खुद को, अपने आर्टवर्क को और अपने स्टैंडर्ड्स को, कि जहां पे आप लोगों या तो फ्री में सर्विस दे रहे हो या $5-$10 $50 की सर्विस दे रहे हो, और अब जीरो बढ़ाना शुरू करो। ये है वो छोटा सा माइनर पॉइंट जहां से आप खुद को अपार्ट कर रहे होते हो नॉर्मल नीड्स से। कैमरा विजुअल कम्युनिकेशन कहता है कि हाँ चीज दिखे, समझ में आए, वो ये कहता है। विजुअल कम्युनिकेशन की बुक्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो आपने बेचना है वो दिखाओ। फॉर इंस्टेंस मैकडॉनल्ड्स कहाँ है? बर्गर, फ्राइज कहीं भी नहीं है, KFC नहीं है। ऑब्वियस KFC मैस्कॉट में जा रहा है, लेकिन बिजनेस का नीश कहीं से नहीं दिख रहा। सो विजुअल कम्युनिकेशन बात करता है कि अगर दिखाना चाहो तो एक एक झलक दिखाओ कि फील है, खुल के नहीं दिखाना। लोगों में एक मिथ होना लाजिम है। मेरे उस्तादों ने ऐसा समझाया मुझे
कि लोगो एक छोटा सा आइसबर्ग है और बहुत बड़े समंदर के बीच में। अब वो आइसबर्ग के नीचे कितना बड़ा एक पहाड़ है ये किसी को नहीं पता, तो वो आइसबर्ग दिखेगा, वो पूरा पहाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। If you are working for the photography, that doesn't mean you have to do this. People are doing this, so no problem. आप conceptual designer बन, driver नहीं, number one. Conceptual designer के लिए आपको अहम elements को use करना होता है एक Lego की सूरत में। अब वो कैसे करना है हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं color की, तो इस लेगो में कलर एक अहम किरदार अदा करता है। तो अब मुझे ये समझना है, यहाँ बहुत सारे कैमरास हैं जो कि ब्लैक हैं, तो क्या ये सारे डीएसएलआर कैमरा के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेते हैं? ना, क्यों? ये अपने कैमरा बॉडी से कलर ले रहा है, ये स्ट्रांगनेस को दिखा रहा है। अगर हम कलर इमोशन गाइड में जाए तो यहाँ देखो बैलेंस, न्यूट्रल, काम, इन सब चीजों को शो कर रहा है। इसलिए ग्रे वहां ब्लैक है। हमने बात शुरू में की, हम टेंट और शेड्स की बात नहीं कर रहे, हम बेस कलर की बात कर रहे। ग्रे का शेड है ब्लैक, तो ब्लैक पे बाद में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अब हमने यहां लिखा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी व्हाट? आप लोगों को रिस्पेक्ट तक नहीं देखो, क्योंकि नहीं मालूम कि आप लोगों को देखने के लिए लोगों ही देख रहे हो। आप जब मोबाइल फोन नया लेने लगते हो तो आप सिर्फ उसकी बॉडी नहीं देखते हो, उसके सारे फीचर्स देखते हो। यकीनन आप मोबाइल फोन को 1% भी प्रॉपर पूरा यूज नहीं करते हो थ्रू आउट उस मोबाइल के करियर में, बट यू लुक आफ्टर ऑल ऑफ द फीचर व्हाट इट हैव एक्चुअली। तो वो फीचर्स को समझना जरूरी है, और फीचर्स के लिए हमने लिखा सिक्योरिटी, ब्रांड आइडियाज, क्योंकि आपको इन एक्चुअल आइडियाज चाहिए। आपको किसी की ब्रांडिंग को देख के कॉपी कभी भी नहीं करना, आप कॉपी करो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना आप कॉपी करोगे क्लोनिंग स्टेज में जाते जाओगे उतने आपका स्टैंडर्ड लो होता चला जाएगा, उतना आपके प्रोजेक्ट में से जीरो लेस होते चले जाएंगे, और उतना आप पीछे जाना शुरू हो जाओगे। And then you'll be a driver somewhere. अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल को क्रिएटिव हेड की जगह पे जाना चाह रहा हूँ, लीड डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, तो क्लोनिंग से हमेशा दूर रहो। उस दूर को रहने के लिए देखो लोगो डिजाइन हमने मैंने हमेशा सुना है, आज भी सुनता हूँ, यार बहुत टफ जॉब। यकीनन वो टफ जॉब है, लेकिन वो टफ जॉब इतनी देर की है जितनी देर मैंने रिसर्च नहीं की। अगर लोगो डिजाइन करना है और मैं सॉफ्टवेयर खोल के बैठ गया हूं तो यकीन जानिए कि मुझसे नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर खुद कभी भी नहीं बना के देता लोगो। लोगो बनाने के लिए आपकी रिसर्च होगी, और जब आप रिसर्च कर चुके होंगे तो वो जो एक बहुत बड़ी र्यूमर है ना मेरे पास, बहुत टफ है लोगो डिजाइन करना, वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि शुरू के 2-3 घंटे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो, लेकिन जैसे जैसे आप देखते जाते हो चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, आप उनके आइडियाज को सोचना शुरू करते हो। फॉर इंस्टेंस कलर पे भी जाते हैं, मिक्सअप होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स गो विद दिस वन, दैट टुक माई अटेंशन। व्हाई? क्या ये लोगो पत्तों से बनेगा? क्या ये लोगो नेचुरल है? आई मीन ये कैमरा नेचुरल होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन क्यों दिया? वी आर अनश्योर अबाउट दिस। व्हाई आई हैड हिम? इसमें एक एस एक कर्व है, दैट इज इंटरसेप्टिंग माय डेली लाइफ एक्चुअली, व्हाट आई जस्ट हैड इन माय माइंड फ्रॉम हिम एक्चुअली। मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि अगर कल को मैं कोई लोगो बनाऊं सिक्योरिटी के लिए तो मैं उसमें इंटरसेक्शन दे सकता हूं, कि अब ये कैमरा मेरी लाइफ में इंटरैक्ट होगा और अब वो मेरी जगह किरदार अदा करेगा।
ऐसा मैंने सोचा। सबसे पहले कॉमनली आपको शील्ड दिख रही है, जस्ट टू प्रोटेक्ट, टू डिफेंस, टू डिफेंड, ये हर कोई दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे रहे हो, सो व्हाई ही गोना पे यू $4,000 जस्ट फॉर अ लोगो। अगर वो फाइबर की मार्केट पर जाएगा वो $5 में ऐसे इससे अच्छे बहुत सारे लोगो बनवा सकता। नंबर वन, हमेशा एक बात याद रखो, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप प्रॉपर अपना वर्क फ्लो उसके साथ शेयर करो, हमेशा हर एक एक चीज की पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन दो कि ये क्यों है। तो आप कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव डिजाइनर होते हो, विजुअल डिजाइनर होते हो, और यही सारी बातें आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में लेके जा रही होती। समहाउ डॉलर डज मैटर समवेयर, मुझ में इस डॉलर लव्स का मैटर पता है क्या है, जितना ये रेस होता है एक्चुअल उतना स्टैंडर्ड अगली पार्टी का होता है, उसके सोचने का स्टैंडर्ड होता है। मेरा मकसद सिर्फ उस स्टैंडर्ड के साथ काम करना है, पैसा नहीं है, पैसा खुद आता है, ये कंफर्म है इस फील्ड में, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होता है, लेकिन प्रॉपर लोगों के साथ, प्रॉपर मार्केट के साथ, प्रॉपर बिजनेस टाइकून्स के साथ काम करने का मजा अलग होता है, आप उनसे सीख रहे होते हो हर लम्हा, तो सीखना मैटर करता है। अब अगर ये एक कर्व जो एस दे रहा है, डेफिनेटली एट अ ग्लेंस मुझे ये फील हो रहा है कि ये एस का ही फील है, एंड इट्स नॉट बैड इवेंट, मैं ये नहीं देख रहा हूं, हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखो, मैं ये देख रहा हूं कि इसमें और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हुई एक शीट, ऑब्वियसली अगर मैं घर पे हूं सो आई एम द ओनर ऑफ माई प्लेस एंड आई एम प्रोटेक्टिंग माई प्लेस, राइट, इट्स मीन आई एम अ कंप्लीट शीट, व्हाट इफ आई एम नॉट देयर। अब रेशन प्रोपोर्शन को मैं देख रहा हूं कि अगर ये कम वाला है दिस इज मी, ये ज्यादा वाला है दैट इज द प्रोडक्ट एक्चुअली हुज मॉनिटरिंग माय प्लेस एक्चुअली। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को कैसे बैलेंस किया जाए, लोगों में कैसे ऐड किया जाए। तो मैंने यहां लिख लिया, मेरा प्रोडक्ट तो हार्ट मॉनिटरिंग है लेकिन समहाउ इट्स डिफेंसिंग मी, तो मैंने यहां कहीं लिख लिया। आप जब काम कर रहे हो, मैं क्यों डे वन से कह रहा हूँ स्केच बुक रखो, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आप लिखते रहोगे। अब मैंने यह लिख लिया एक जगह पे कि रेशो मेरे प्रोडक्ट का ज्यादा होगा, प्रोडक्ट रेशो वो होगा 70%, और मेरा अपना 30% होगा, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ गुड केयर ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली, दैट इज वाई आई हायर हिम एंड दैट इज वाई ही इज मॉनिटरिंग मी On my behalf. So, इसने ज्यादा जगह ले ली है मुझे। Making sense? Be a creative designer. ज्यादा जगह का लेना means अगर लोगो complete 100% बन रहा है, definitely कोई भी shape होगी, कुछ भी होगा वो 100% होगा, उसमें 70% एक color ज्यादा होगा। अब वो एक color क्या ज्यादा होगा, वी आर जस्ट गेटिंग बैक टू द फिलोसफी। अब मैंने ये सोचा कि यार ये ट्रस्टेड है, ओके, यानी कि अगर लोगो कुछ भी मैं बनाऊंगा उसमें 70% ब्लू टोन होनी चाहिए, 30% कोई अदर टोन होनी चाहिए। सो फॉर दैट 30% हम रेड ले सकते हैं अलार्मिंग, लेकिन रेड इज फॉर डेंजर एज वेल, नो। Now, be a business, be a business tycoon and be a product itself. अगर आपकी product पे blue and red होगा तो ये contrast अच्छा develop नहीं करेगा, और contrast हम लोगों का अभी देखो problem क्या है, हम इस field में new है, अभी आज से पहले तक हमने ऐसा सोचा ही नहीं, तो हमारे पास ऐसे thoughts ही नहीं,
हमारे पास ऐसे विजुअल्स ही नहीं है। अब हमें ये सारे खाली बकेट को भरना है और कचरे से नहीं भरना है। तो अब मैं कैसे भरूं? ऑब्वियस विजुअल डज मैटर टू मी। अब मैं जा रहा हूँ सिंपल गूगल पे, क्योंकि गूगल हेल्प्स अ लॉट, और मैंने लिखा सिंपल टू कलर कंट्रास्ट इंटीरियर सिंपली। और यहाँ आके प्रोडक्ट और इंटीरियर, ये तो बहुत अलग सी बात है। बिल्कुल है, ये बातें अलग सी तो है, लेकिन ये यहाँ यूं कर रहे हैं हम कि विजुअल तो डेवलप हो कि भाई अगर ब्लू कलर है उसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट होगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट के शेल्फ में लैंड करेगा, वहां लोग डॉक्टर्स पिक करेंगे। डॉक्टर्स डेफिनेटली फॉर्मूला पे और इनके सारे इंग्रेडिएंट्स पे लाइक कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कलर भी तो उनको इम्प्रेस कर रहा होगा, सो दे गोना रेकमेंड अस। तो अब मैं ब्लू के साथ देखना होगा तो मुझे देखना होगा कि कौन सा ज्यादा, इट्स अ मेडिकल प्रोडक्ट, इट्स अ रिलैक्सिंग स्टफ, कामिंग, प्रोटेक्टिंग। सो अब मुझे ब्लू के साथ देखना होगा कि भाई ब्लू के साथ क्या है, एंड वी आर रियली लेस विद द ब्लू टोन राइट हियर, बट समहाउ ब्लू एंड व्हाइट और लाइटर एंड डार्कर का कंट्रास्ट चल रहा है, इतना ज्यादा एम्फसाइज भी ना, लेकिन वो भी। तो अब मैं ब्लू के साथ लाइट ग्रे को भी, एश ग्रे को भी यूज कर सकता। व्हाट इफ वी राइट ब्लू डबल कलर कंट्रास्ट इंटीरियर, तो अब सिर्फ ब्लू दिखेगा हमें। समथिंग न्यू फॉर अस, अ ब्लू एंड येलो। व्हाई येलो? इज इट मैचिंग टू मी? ऑप्टिमिज्म, ना, इट्स रियली नॉट मैचिंग टू मी। अब मुझे आइडियाज आना शुरू हो गए कि यार ब्लू तो मैंने लिख लिया कि ये 70 के आगे ब्लू कलर जिसका 1:2 का रेशो होगा, तो ब्लू ज्यादा होगा हमारे पास। और ब्लू के साथ देखो ऑरेंज भी आ रहा है, बट दैट इज लाइक अ टू स्टेट थ्योरी। समहाउ वी आर स्टिल स्टक, इट्स नॉट अ ब्लू टोन बट विद अ फैमिली ऑफ ब्लू कलर, बट समहाउ दैट इज रियली कमिंग। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि यार ब्लू के साथ व्हाइट का होना, या अगर प्योर व्हाइट नहीं तो पेल व्हाइट, एश व्हाइट, इनको हम यूज कर लें। नाउ व्हाट ब्लू एंड विच ब्लू वी आर टॉकिंग अबाउट? तो आप एक सबसे अच्छी वेबसाइट है एडोबी कलर, करेंगे इस पे भी बात। हमने लिखा ब्लू पैंटोन कलर, और अब हम बहुत सिंपली, एक तो पैंटोन की अपनी वेब है, दैट इज काइंड ऑफ Another stage, not for beginner, for now. अब हम images में चलते हैं और अब हम देखते हैं कि भाई कौन सा ब्लू होना चाहिए, कहाँ से ब्लू आना चाहिए और कैसा होना चाहिए। और अगर यही ब्लू की बात हो रही है, लोग आपने फॉरन फॉरन नहीं सिलेक्ट कर लेना है। हम अभी इतनी स्पीड में यू बात करें क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट। इस कलर की रिसर्च पे भी मैं कम से कम एक वीक लेता हूँ। मैं सिर्फ कलर रिसर्च कर रहा होता, मैं देख रहा होता हूँ पैरेलल, मैं कंपैरेटर्स को भी देख रहा होता हूँ, और मैंने लिखा मेडिकल सप्लाइज पैकेजिंग आइडियाज। जस्ट मैं यूं जाके यूं भी देखूंगा भाई मेडिकल की पैकेजिंग होती कैसी है, जब वो इंस्टेंट पैक होके जाएगा किसी के पास तो वो कैसा दिखेगा। पर्टिकुलरली मैं हार्ट स्टंटिंग के भी प्रोडक्ट्स को देखूंगा, उनके कंपैरेटर्स को भी देखूंगा, उनके भी कलर्स को देखूंगा, लेकिन मैं अभी एक ओवरऑल एक फील लेने आया हूँ कि लोग कैसे कलर्स को यूज करते हैं। रेड में तो रेड बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन बाकी कलर्स में डल टोन यूज हो रही है, लाइटर टोन है। सो दैट मेक इन माई सेंस टू गो विद द लाइटर टोन। Obvious
मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्कर शेड में जा रहा है। फील करो, जब भी जो भी डिजाइन करना हो वो चीज बन जाओ। मैं इस वक्त खुद को एक हार्ट स्टंट एज अ फील कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं एक बॉक्स में पैक हूं तो वो बॉक्स कैसा होगा, उस पे ये कलर क्या अच्छा लगेगा? नहीं, ये बहुत डल हो जाएगा। इट मस्ट बी अ लाइफ गिविंग थिंग, तो ये थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए। व्हाट इफ वी गो विद दिस पैलेट, दैट गोना बी नाइसर एलिमेंट फॉर अस। तो आपको एक डीप रिसर्च के साथ अपने कलर सेलेक्ट करने हैं और फिर उनके साथ काम करना। अब 30% मैंने लिख लिया, जो रिमेनिंग मेरा अपना 30% है, दैट इज मी गोना बी अ वाइट और मे बी अ पेल और मे बी इट गोना बी द एच। दिस इज मी एक्चुअली इन द प्रोडक्ट। और ऐसे ही जब कलर डिफाइन करूंगा तो मैं यही सोच रहा हूंगा कि भाई हार्ट स्टंट क्यों हो रहा है, ड्यू टू बैड केयर मीन्स ये लीन बॉडी बहुत रेयर होगी, बहुत रेयर होता है, कभी कभार कोई अच्छे लोगों को हो जाए। वैसे बहुत ज्यादा मुझ जैसे मोटे और जो केयर नहीं कर रहे मीन्स लीन नहीं है, दैट मीन इसमें एक कर्व होना चाहिए इस लोगो में। तो मैंने अपने पास लिख दिया कि लोगो आइडिया, और यहीं पे मैंने लिख दिया शेप, और एक शेप मैंने कर्व का बना दिया। मे बी ये कर्व बीच में से थिक भी हो सकता है, हल्का सा बीच में से, ताकि ये क्लॉटिंग को दिखाए या कुछ भी दिखा सकते। जब आप ये रिसर्च कर रहे होंगे तो ये आइकन्स के लिए जितने भी शेप्स यूज होने होंगे आपके, एंड डू बी रिमेम्बर लाइन बॉक्स और सर्कल, इसके अलावा कोई शेप यूज नहीं होना। तो इन्हीं में से कोई शेप मिलेगा, वो बनेगा और वो आइकन बन जाएगा। और आपके पास कलर भी निकल के आएगा, आपके पास लोगो भी निकल के आएगा, एंड दिस प्रोडक्ट गोना टेल यू कि कौन सा फॉन्ट यूज किया जाए। नहीं, लाइट ग्रीन का कंट्रास्ट तो एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये पहले देखना चाहूंगा कि ये जो हार्ट स्टंटिंग है, ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये इसमें ऑर्गेनिक स्टफ है, नेचर से कुछ इसमें मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं ग्रीन का कोई एलिमेंट ऐड करूंगा, अगर वरना मैं नहीं करूंगा। देखो जी, शेप्स का यूज होना तो लाजम है, क्योंकि हर शेप की अपनी एक थ्योरी है। अब टेक्नोलॉजी के लिए कर्व्स या कोई भी चीज है, वो एक्चुअली उसके मिस्ट्री को कंटेन कर रही है और कहीं ना कहीं
बता भी रही है। यकीनन सलून में ये कैंची, कॉम, हेयर, ये सब दिखाना जरूरी नहीं है। ट्राई टू कम अप विद दिस स्टाइल एक्चुअली। अब देखो यकीनन वो देखते समझ में आया कि ये ओके इट्स फॉर द सलून और इट्स फॉर समथिंग एल्स, लेकिन उसमें एक बात ऐसी छुपी होनी चाहिए जो दिख भी रही हो वो नहीं भी दिख रही हो, उसका मीनिंग भी समझ में आ रहा हो और वो एक आपकी लाइफ से इंटरप्रेटेड है। दैट गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, लाइक जैक एंड जोन्स, जैक एंड चार्ली। इन लोगों के लोगों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेरिफ फॉन्ट है और सिर्फ लिखा हुआ जैक एंड चार्ली, लेकिन एन के अंदर पूरा लाइफ स्टाइल दिया हुआ है और एंड के अंदर एंड की जो स्टाइलिंग है वो उनकी पूरी हेयर की ट्रीटमेंट का स्टाइल है। आपको गौर करने पे दिखता भी है, आपको वैसे भी दिख रहा होता है, आप नोटिस करोगे आपको सारा फील आना चाहिए। नॉट नेसेसरी के इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाए। अगर हम पढ़ने के लिए ऑब्वियसली क्रिटिसाइज खुद को भी करेंगे और क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे, और अगर हम ऐसे बात करें कि भाई उसमें उसने एक हेयर स्ट्रैंड डाल दिया या हेयर ऐड कर दिया, सो ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी तो यूज हो सकता है। आर दे डूइंग दिस और नॉट? वो बाल सिर्फ दिखाना वो ट्रीटमेंट के लिए भी तो यूज हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो आपका लोगो एक्चुअल इतना सिंप्लीफाइड हो और इतना टारगेटेड हो कि वो आपकी डेली लाइफ से इंटरप्रेट हो रहा है, क्योंकि जिस तरह नाम की थ्योरी है शॉर्ट स्वीट एंड यूनिक, ऐसे ही ये सेम लोगो की भी थ्योरी है, शॉर्ट हो, स्वीट और यूनिक हो, छोटा सा हो। ज्यादा बड़ा लोगो दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हो लेकिन मीनिंगफुल हो, मेमोराइजेबल हो, यूनिक हो के आप कहीं भी उसको दोबारा देखो तो याद आ जाए कि हाँ ये वहां बात हुई थी, ये वो है। और इस तरीके से आपका ब्रांड अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना शुरू करता है। डेफिनेटली शेप्स का होना लाजिम है और शेप्स स्ट्रेटजीज को बयान करता है। ट्राइंगल है वो, या और वो जो मैंने उसको पढ़ा तो इन्होंने एक्चुअली डोरिटोस को एक एज अ बर्म्यूडा ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया, दैट यू गोना बी लॉस्ट इन इट, जस्ट टेस्ट एंड लॉस्ट इन इट। इसलिए डोरिटोस के लोगों में एक्चुअली डोरिटोस भी वो ट्राइंगल है। What I just studied है। तो हर चीज को आप फारिग बैठे हुए हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, उस टाइम को कंज्यूम करो, हर चीज की साइकोलॉजी को पढ़ो। आप जितना पढ़ते जाओगे ये बकेट उतना फिलअप होता जाएगा और फिर उतना क्रिएटिव आइडियाज आपके पास आते रहेंगे और फिर उतना अच्छा आप लोगों क्या कोई भी डिजाइन आप आराम से डिजाइन कर सकते हो, और सॉरी डिजाइन नहीं कर सकते हो, एक्चुअली क्राफ्ट करोगे। और आपका डिजाइन इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप वो पेपर पे सिर्फ एक रफ रैंडम ड्रॉ करके दो और उस पे आपके अंडर 20-50 लोगों की टीम काम कर रही है, इतना मीनिंगफुल होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए। सो यू कैन कॉल योर सेल्फ एज अ डिजाइनर, अ बिगनर। मेक सेंस? व्हाट इज कलर फॉर अस? खोलो फिर अपनी नोटबुक्स, स्केचबुक्स, कलर रिसर्च करो, निकालो कोई अच्छे कलर रिलेटेड टू योर ब्रांड और शेयर करो। देन लेट्स सी।
पूरी कहानी समझाओ ताकि मैं उस हिसाब से अच्छी बात कर सकूं। अलार्म है, ओके। हाँ वो और ये जो ब्लड आती है, एक अलार्म की जगह जो है वो जैसे बॉम्ब एक्ट